उदासी क्या है? क्या सोनापुर शहर में कोई ताना मारा है? क्या कोई आंख दिखाने की कोशिश की है? आप सच सच बताएं, आखिर बात क्या है? हे स्वामी, वो बोल रहा था माटी का घोड़ा, माटी का लगाम, और बोल रहा था और यही पोखर में पानी पिएगा तभी मैं उसे सवाल की, अरे ओ मूर्ख बालक, तू जो ये बोल रहा है, ये माटी का घोड़ा, माटी का लगाम और पानी पिएगा हो जाएगा जवान, इसका मतलब क्या है? तो वो क्या जवाब दिया पता है स्वामी जी? हेलो, वो बोला, अरे नारी सुन, अगर नारी पत्थर, ईटा और खपरा जन्म दे सकती है तो भला ये पानी कैसे नहीं मिल सकती? पोखर पे स्नान कर रही थी। हाँ स्वामी जी, एक कुम्हार की बेटा
माटी का घोड़ा माटी का लगाम लेकर आया था। हाँ हाँ स्वामी जी, आप इस पार थे उस पार में पानी पिला रहे थे, तुम्हारे का बेटा था। हाँ स्वामी जी। मात्र जी ऐसे दुर्शासन सोनापुर शहर में कौन किया है? तब जुलमी सिंह के साथ लेकर उसे पता लगाओ, क्योंकि 14 कोस सोनापुर शहर में निपुत्र ही की राज है। महाराज ये तो जुलमी का काम है, मेरा काम है राज दरबार में रहना, और जुलमी का काम है जो बाहर का होगा वही करना। नहीं है तो ठीक है, जुलमी सिंह को बुलाओ, मैं उसे आदेश देता हूँ। ठीक है महाराज। आगे भागा ले भागे, आता चला लाइए जुलमी है। करते हो आज सेवा पटना में हौदी पोखर पर स्नान करने के लिए गई, और एक कुम्हार की बालक ने यह सेवा पटना को ताना मारी है कि जब औरत होकर ईट खापट को जन्म दे सकती है तो माटी का घोड़ा माटी का लगाम पानी क्यों नहीं पी सकती। राजन पहले आप बताइए कि किसका दिमाग और ये समय खराब हो चुका है? जा किया सानापुर शहर, इस रात में किसको हिम्मत हो गया है? जा वाच नीच बात किया है महाराज, जा आप बताइए। मैं खराब चादे का मैं मोड़ काटू, यही बात पता लगाने के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं जुलमे से। और महाराज क्या वो बालक अपने पिता का नाम बताया है? नहीं नहीं स्वामी। हे रानी तनी ऐसी सहन एक बात करो न, लागे छे इहो परसोतिए भेल छे। हे स्वामी वो लड़का मेरे साथ बहुत छेड़खानी किया, मैं क्या करूं स्वामी, मेरे इज्जत के साथ बहुत खिलवाड़ किया स्वामी। तुम रोना धोना नहीं है, मैं जुलमी सिंह को भेजता हूं, आखिर वो किसी भी राज का होगा,
जुल्म से उसे ढूंढ निकालेगा। महारानी आप घबराइए नहीं, मैं आप छव महारानी का मैं इस हालत देख रहा हूँ। उस कुम्हार का बच्चा का ये हिम्मत जो कि राज की रानी के साथ बदतमीजी किया है, महारानी आपके साथ भी किया है। हाँ महाराज। मंजरी महारानी आपके साथ भी ओम छेड़खानी किया है। हाँ जुल्मे से। क्या महारानी जी? हे जुल्मे से मैं क्या बताऊं तुझे, एक कुम्हार का बेटा हूं तो मेरे साथ इतना छेड़खानी किया। हाँ आपका बदन का कपड़ा भी फटा हुआ है और हर जगह छीन न छोड़ किया हुआ है ना? रे बिजली बोलिए महाराज। चला मेरा साथ और पता लगाते है। चलो चलकर पता लगाते हैं सोनापुर शहर राज में ऐसा कौन मायका लाल पैदा ले लिया जाओ राज की महारानी के साथ छेड़खानी किया है। ठीक है चल के देखा जाए। महाराज जुल्म से आप मत घबराइए, मैं अभी पता लगाता हूँ। मैं और मटका सिपाही चलता हूँ पता लगाने। जा के पता लगाओ और घसीटते हुए मेरे राज दरबार में। किसका लड़का है जो महारानी के साथ ही ऐसी छेड़खानी करने की साहस की है। आता चला हो मे आ भली गई दुर्गा नहीं। लड़का जहां मिले उसको भी घसीट कर लाओ।
लगा पंडित घर से बाहर आओ पहले। अरे घर से तो बाहर आओ। ये बरगाई की छोरी तोरा तखने कहलियो ने छोरा के नहीं दही जाए ले हे देखी सोना सिंह के सिपाही सब अइलो। ए गुटरी मिली की कर पहले बाहर तो निकल के आओ। ए की बात छे की बात छे की बात है तोरा पास कोई बालो बच्चा है? ओ कोई बाल बच्चा आर नहीं? कौन नहीं जानता है सोनापुर शहर में मेरा एक लड़का फूल कुमार है। ओ लड़का छे? हाँ एक तो लड़का है। की कल का मालिक पहले हमको उनसे बात कराओ लड़का से। लड़का नहीं चाहिए यहाँ पर आल गले। अच्छा ठीक है लड़का नहीं है। ठीक है जाओ तू नहीं है लड़का। दुलमी सिंह अरे बिजली सिपाही इनका कहना है गंगा पंडित को जो मेरे पास एक लड़का है। हाँ और कल ही हौदी पोखर ये गया था माटी का घोड़ा और माटी का लगाव लेके खेलने के लिए। यही सरवा का काम है लेकिन बोलता है कि हमारे पास अभी कोई बेटा नहीं। उसको कहो यदि उसके जान की सलामती चाहता है तो जुल्मी सिंह के पास आए। गंगा पंडित चलो जुल्मी सिंह के सामने हो। जुल्मी सिंह आया है? जल्दी सामने हो। चलो कहाँ है जुल्मी सिंह के पास ले चलो। चलो नाम जुल्मी मालिक ये बात छी बहुत देखे छो अरे टिपली चुका ले वो ये बताओ तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र भी है? ओ मालिक एगो लड़का हमरा छे नवा कवा का भगवती माए के एगो लड़का देबे के लिए। अच्छा ठीक है क्या कोई बात? अच्छा ये बताओ कल तुम्हारा लड़का कहाँ गया था? ये बरगा एक छवी ओकरा ले के छै दहिन जाबा तखने तोरा कहलियो छोरा के मन नहीं बढ़ाई। पहले ओरा पूछो की कल के हमर बेटा है जाके तो पूछे की कल का तो पूछो न मरदावा तो छौ कि हमे ही है। की बोले मालिक हो की बोले कोई बात छै की कोई बात छै कोई बात छै? चलो उसको मेरे सामने करो काका राव अपने बेटा को मेरे सामने कराओ ना तो हराम अभी उनादान छे कोई काम करे लायक नहीं छे जे काम सर से बोला हम देख के दे बता। मैं उससे कुछ बात करूंगा मुझे उसको सामने करो। रे चौरा रे की होला बाबू या के नाती तोरा कह रियो पढ़े लिखे अखनी तो शिकार खेलल जाए दे मालिक हो ये है हमर लड़का है की बात छे। हां प्रणाम महाराज। अरे प्रणाम का बच्चा हराम ज्यादा तुम्हारा ये मजाल कि राज की महारानी के साथ तूने बदतमीजी छेड़खानी किया है? नहीं नहीं महाराज हमने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की हूँ किया हूँ और नहीं किसी के साथ में छेड़खानी किया हूँ। भारी भारी रे I'm
पिटाई कर रहे हो। यदि हमारी बेटा गलती किया है तो मैं उस गलती का स्वीकार करने के लिए तैयार है। क्या क्षमा? हमें जो दंड देना है। छोटा जात कुम्हार राव, तुम्हारे बेटे का ये मजाक, सोनापुर शहर की महारानी के साथ इसने छेड़खानी किया है। राव राव मटका सिपाही, राव हरामजादे को पकड़ के इधर लाओ। गए मां, चलो मेरे साथ चलो। बेटा गलती कल कर मारे थे न तो हमरा मार लो, हमरा बेटा कुछ नहीं कर। राव दरबार में हमरा मार लो। सोना सिंह का आदेश है, इस बच्चे को मेरे साथ जाने दो, नहीं तो मैं तेरे घर में आग लगा दूंगा। बाल बच्चा समझ सबको भक्सी। सिपाही हमारे बेटा नहीं जीते, हमें तेरा साथ जाइए। हम बेटा को आगे बारे बारे गे। Thank you.
राय बिजली जी जी राय महाराज आ रहे हैं। महाराज को कहो ये सीरूम से निकलने के लिए। देखिए महाराज, मैं उस कुम्हार का बच्चे को मैं पकड़ के लाया हूँ। ये हुई बालक है, देखने में आराम ज्यादा बहुत मांस लगता है, देखने में इतना सुंदर लगता है, मुझे तो मारना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं करूं क्या, मैंने राजा का नमक खाया हूँ। नमक का फर्ज चुकाना ये जुल्मी का कर्तव्य है। महाराज जल्द से को जो करना है आप कीजिए, मैं लड़के को पकड़ के लेके आपके चरण में आया हूँ। अभी तुम्हारा काम अभी बहुत बाकी है। अरे प्रणाम महाराज, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ। तुमने सोनापुर शहर का तुम्हारे माता पिता असुर नहीं बताया। तुम देखने में इतना अद्भुत हो, इतनी सुंदर हो, इतना कोमल हो, जो तुम पर मुझे बहुत दया आती है। लेकिन मैं एक राजा होने की बात है, जो इस सोनापुर शहर का रूल है वो कर्तव्य मुझे निभाना पड़ेगा। इसलिए ये बालक, तुमने सोनापुर में गलती किया है, वो गलती का सजा तुम भोगना पड़ेगा। महाराज हमने कोई गलतियां नहीं किया हूं। महाराज ये बताओ, तुमने सेवा पटनानिया के साथ कैसी कैसी बतूकी की है, इसलिए तुम्हें गलती की सजा मिल रही। महाराज हमी कोई महारानी जी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं किया हूँ। अभी भी झूठ मत बोलो। महाराज
मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं एक गरीब का बच्चा हूँ। इसीलिए मेरी फितरत में झूठ बोलने की आदत नहीं है। बालक, तूने सोनापुर में गलती की है तो की है, इसलिए सोनापुर में जो गलती करता है उसे सजा मौत होता है। और मैं ये समय तुम्हें निर्धारित कर देता हूँ, चल एक जल्लाद को बुलाओ। महारानी ने कही मुझसे सख्त करवाई कि जब तक उस बालक के कलेजे पर मैं नहा ना लूं, मेरे आत्मा की शांति नहीं मिली। महाराज देखिए, महाराज आपका तो एक भी पुत्र नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इस बच्चे को देखता हूं तो बहुत दया आ जाता है। अरे दया तो मुझे भी आता है, इस बच्चे को देखकर मेरा मन ऐसा लगता है कि इसे गले से लगा लूं। जुल्म से आखिर मैं करूं तो क्या करूं, मैं विवश हूं। महाराज ये राजधर्म है जुल्म से, आखिर किसी हालत में राजधर्म तो निभाना ही पड़ेगा। यह हराम ज्यादा महारानी के साथ बदतमीजी किया है, इसका सजा तो इसे मिलना ही चाहिए। सही बात है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई गलतियां नहीं किया हूँ। अरे बालक, तुम्हारे ऊपर मेरा दृष्टि जानता है तो मेरा मन मोहित हो जाता है। ना जाने ऐसा क्यों लगता है जुल्म से इतना कोमल बच्चा है, लेकिन राजधर्म मुझे बेबस कर रखा है, इसे सजा मौत मिलना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं अभी जल्लाद को अपने राज से बुलाता हूँ, जल्लाद को खबर चलाता हूँ, जल्लाद आएगा और इस बच्चे का काम तमाम कर ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांस। तेरा क्या होगा रे कालिया, बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, नहीं किया। बताइए
बताइए महाराज। अरे इस लड़का को क्या करना है? इस लड़का को क्या करना है? राम सुनाओ जल्लाम। आइए महाराज। अरे रामजादा लग रहा है कि आज मुंड नहीं बनाया है। आज एक भी शिकार मुझे नहीं फंसा है। मैं 7 दिनों का भूखा भूखा है। आइए महाराज क्या पति है? जल्लाद तुम्हें मैं ऐसा भोजन दूंगा, ऐसा भोजन मैं तुम्हें दूंगा कि तू जिंदगी भर माला मार हो जाएगा। आज मुझे इच्छा भर भोजन के लिए आज शिकार देगा तो बताइए कैसी शिकार है, कौन सी शिकार है? आज मैं इच्छा भर भोजन करूंगा। लाइए महाराज शिकार के, जल्दी लाइए। सुना चलना बताइए महाराज। बताइए महाराज। जल्लाद सुनो, या जो सामने तुम जो बच्चे देख रहे हो, अच्छे इसको ले जाओ कोई घनघोर जंगल में जाकर इस आराम जादे का काम तमाम कर दिया और उसका कलेजी निकाल कर महाराज के चरणों में तुम्हें गिरा है। महाराज इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगा कीमत दूंगा। लाइए मुझे इसे हाथ बांध दीजिए। आपको कलेजी चाहिए? अरे तो ठीक है, आप निश्चित हो जाए मैं इसे 2 घंटा के अंदर भी समाप्त करके आता हूँ। तो जानते हैं कि मैं मांसाहारी भोजन करता हूँ। आज मैं इच्छा भर भोजन करके और मैं आपको कलेजी अवश्य हवाले करूंगा। अरे आ गई है जला निकाल करके मुझे हवाले करो। नहीं जल्लाद भाई,
मुझे ये बालक को देखकर आप मुझे दया कर दीजिए जल्लाद भाई। अरे तुम्हारे ऐसा ऐसा कितना बालक को मैं रोज हत्या करता हूँ, रोज हत्या करके इच्छा भर भोजन करता हूँ। आज मैं 7 दिनों से भूखा, एक भी शिकार नहीं मिला है, तुम्हें ऐसे छोड़ देगा? ये बताओ तुम्हारे पास रुपया उपया है? जल्लाद भाई मैं एक गरीब का बच्चा हूँ, भला हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा जल्लाद भाई। रे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो भूखे मरेगा, तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ेगा, 5,000 रुपया देगा हम छोड़ देंगे। जल्लाद भाई भला मैं आपको 5,000 रुपया कहाँ से ला कर दूं? नहीं देगा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं जल्लाद भाई ऐसा मत करो, जल्लाद भाई मैं कोई उपाय लगाता हूँ, मैं ये टोला मोहल्ला में जा करके मैं माँ और बहन और भाई और चाचा और दादाजी से 2-4 रुपया मांग करके इकट्ठा करके मैं आपको दे दूंगा जल्लाद भाई। अच्छा ये तो जीवन बचाने के लिए अच्छा उपाय सोच लिया है, तो ठीक है मैं तुम्हें 10 मिनट का मोहल्लत देता हूँ। 10 मिनट के अंदर में यदि तू आ गया तो तुम्हारा प्राण बच जाएगा, अन्यथा मैं पकड़ के तुम्हें अवश्य हत्या कर दूंगा। खोलो जल्लाद भाई। बेटा हके रुपया हो दिया।